हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों? हम ज्योमेट्री कर रहे थे। ज्योमेट्री में हमने थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था, और मैंने बताया था कि आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस की सीरीज में हम आज करने वाले हैं जो आपका एग्जाम सीजीएल 2018 में 18 का प्री जो 19 में हुआ था, यानी ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2018 के प्री के क्वेश्चंस हैं। आई थिंक 50 के अराउंड ये क्वेश्चन है, तो हम इनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी। तो आपकी एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एक सर्कल बना हुआ है। अब इट टचेज द साइड ए बी बी सी एंड ए सी एट आर पी और क्यू पे टच कर रहा है। ए क्यू की लेंथ आपको दे रखी है 4.5, पी सी की लेंथ आपको 5.5 और बी आर की लेंथ आपको दे रखी है 6, और पेरीमीटर की बात की गई है। तो मैं तीनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दूंगा, 5, 4, 9 और 1 10, और 6, 16, 2 9, 32, ये आपका आंसर है। बस इतना ही टाइम आपका एग्जाम में लेना है। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे आपकी जो टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहती है कि सर्कल के बाहर से किसी बिंदु से मैं दो टेंजेंट खींचूंगा तो जो टेंजेंट होंगी उनकी लेंथ बराबर होगी। यानी ये एक सर्कल है, इसके बाहर से पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, यहाँ से दो टेंजेंट और यहाँ से भी दो टेंजेंट, तो इनकी लेंथ आपकी बराबर हो जाएगी। यदि मैं सबको जोड़ूंगा, 4.5 दो बार है, 6 दो बार है, 5.5 भी दो बार है, यानी सबको जोड़ के 2 से गुणा कर दो। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है, एफ एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ए बी सी। अब ए बी और ई सी पे दो पॉइंट है, एफ और ई, यानी एफ यहाँ है, ई यहाँ है, एफ ही पैरेलल है। देखो पैरेलल होते ही दो ट्रायंगल यदि पैरेलल हैं, तो मैंने बता दिया था इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जो आपकी जो ट्रायंगल ए एफ ई है वो सिमिलर होगी ए बी सी के, और इनके जो साइड का रेशो होगा ए एफ बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, यानी छोटी ट्रायंगल की लेंथ बटे बड़ी ट्रायंगल की लेंथ इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की लेंथ बड़ी इज इक्वल टू एफ ई बटे बी सी इज इक्वल टू इनके हाइट का रेशो इज इक्वल टू इनकी इन सर्कल का रेशो इज इक्वल टू इनकी सरकम सर्कल की जो रेडियस होगी उनका रेशो इज इक्वल टू इनके पेरीमीटर का रेशो, इसका पेरीमीटर पी वन पी टू है, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एरिया का रेशो, इसका एरिया ए एफ ई का बटे एरिया का ए बी और सी का। अब ये एरिया का रेशो रूट में क्यों होता है? रूट में इसलिए होता है क्योंकि जो आपका यूनिट है एरिया को रिप्रेजेंट करने वाली, वो स्क्वेयर की फॉर्म में होती है, सेंटीमीटर स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर, और लेंथ हमारी है वो मीटर सेंटीमीटर में होती है। तो इस स्क्वेयर को हम मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसका अंडर रूट कर लेते हैं, तो यानी ये इस प्रोपोर्शन में होंगे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, आगे दे रखा है एफ ई डिवाइड द ट्रायंगल इंटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी इसका एरिया एक है तो इसका एरिया भी एक होगा, और पूरी ट्रायंगल का यदि मैं एरिया की बात करूं तो ए एफ ई का जो एरिया है वो एक है, और ट्रायंगल ए बी सी का कितना हो जाएगा? वो दो हो जाएगा, क्योंकि एक एरिया इसका है, एक एरिया इसका, तो टोटल दो हो गया। अब आपको दे रखा है कि ए डी परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे जो ए डी है वो परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए डी इंटरसेक्ट द एफ ई एट जी, यानी इसको जी पे काटता है, और जो आपको निकालनी है वो है जी डी बटे ए जी, ये आपको निकालना है। देखो जब भी सिमिलर होंगी आपका इनमें से कुछ ना कुछ दे देगा और दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा। यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले एरिया दे रखा है, और यदि मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट इस ट्रायंगल की, यानी ये आपकी एच वन है और ये पूरी हाइट आपको एच टू है। अब एच वन एच टू यदि मैं निकाल लूँ, एच वन बाई एच टू वो होगा एरिया ऑफ ए एफ ई, एक है इसका रूट बटे रूट ऑफ दो, यानी ये आ जाएगा 1/√2। अब हमें लेकिन पूछा गया है जी डी, जी डी जी डी क्या है आपकी हाइट, यदि मैं टोटल हाइट में से ऊपर वाली हाइट घटा दूं तो आपकी आ जाएगी √2 − 1 बटे ए जी, ए जी आपकी क्या है 1, यानी जो आंसर आएगा वो √2 − 1 = 1 आएगा, ये वाला आपका आंसर होगा √2 − 1 = 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ पी क्यू पी आर आर टू कोर्ड ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड पी ओ इंटरसेक्ट कोर्ड क्यू आर एट पॉइंट एस, तो ओ एस बताना है, यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, पी क्यू पी क्यू आर दो त्रिज्या है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपकी प्रॉपर्टीज में करवाया था कि आपकी दो इक्वल कोर्ड गिवन मिलेंगी, ये सेंटर है
ये वाली आपकी रेडियस होगी, ये वाली आपकी रेडियस होगी, ये 10 है, ये भी 10 है। अब ये पी क्यू है और ये पी आर है, जब क्यू आर को मिलाऊंगा तो ये कॉर्ड होगी। अब ये आपकी रेडियस है, रेडियस होगी वो कॉर्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर होगी, और इसको दो बराबर भागों में तोड़ेगी। ये 12 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो मैंने प्रो डायरेक्ट बताया था, ये मान लो ओ है, ये पॉइंट आप मान लो पी क्यू आर एस है, एस गिवन ही है एट पॉइंट एस, तो हमें ओ एस निकालना है, यानी ये वाली लेंथ निकालनी है। देखो यदि मैं बात करूँ क्यू ओ एस, आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, ये 90 डिग्री पता है और ये मैं पता है 10 है। यदि मैं क्यू एस निकाल लूँ तो इसका स्क्वेयर माइनस इसका स्क्वेयर हम निकाल सकते हैं। देखो क्यू एस के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, वो क्या होगा, 12 गुणा यानी एक यहाँ पे एक वैल्यू आएगी बटे 10, और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू मैंने बताया था कि यदि मैं यहाँ से 90 डिग्री पर ड्रॉ करूँगा तो वो इसको दो भागों में तोड़ेगी, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो एक ट्रिपलेट फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है हमें, ये 6 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 8 हो जाएगा, यानी वो लेंथ हो जाएगी 8। तो यदि मैं इसको काटूंगा, यानी डायरेक्ट कर लो, 12 96 बटे 10, 9.6। अब ये हमें 9.6 आ गई, तो हमें ये निकालना है, तो ये निकलेगा हमारा 10 का स्क्वेयर माइनस 9.6 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ये वाला आ गया। अब पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक जीरो इसके नाम की आ गई, एक जीरो इसके नाम की, ये आ गया 196 गुणा 4। अब 4 पता है हमें, तो 4 को बाहर निकालने के लिए हम इसको यदि 4 की फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 49 × 4/100। अब एक 4 बाहर आ गया, एक 7 बाहर आ गया, और एक 10 बाहर आ गया नीचे से, यानी 28/10 आ गया 2.8। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे निकला है, तो इसके लिए देखो हम कैसे निकले। मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, क्यू पी और ओ की, ये पता है हमें ये 90 डिग्री है। अब ये देखो ये पॉइंट एस है, ये 12 है, ये 12 है, और ये 10 है। यदि मैं इसके एरिया की बात करूँ, यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पे, तो परपेंडिकुलर पता है आपको कि सेंटर से परपेंडिकुलर आपका जो सामने वाली भुजा उसको दो भागों में तोड़ेगा, यानी 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये 6 है, सॉरी ये आपकी 10 दे रखी है, ये आपका 6 है, ये 10 है, यानी ये आपका कर्ण है, ये आपका बेस हो गया, और लंब हमें निकालना है, तो लंब आपका कितना आ जाएगा, 10² - 6² ये 8 आ जाएगा। अब एरिया की यदि मैं बात करूं, भाई ट्रायंगल मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी है, ये पॉइंट डी है 90 डिग्री, तो हम एरिया 1/2 × AB × BC लिखेंगे। यदि मैं बेस इसको मानता हूँ तो 1/2 × AC × BD, ऐसे ही 1/2 × बेस यदि मैं PO को मानता हूँ तो 10 × हाइट हो जाएगी QS इज इक्वल टू 1/2 × बेस यदि मैं QP को मानता हूँ 12 × हाइट हो जाएगी 8, ये कट जाएगा, तो QS आपका डायरेक्ट आ जाएगा 12 × 8/10, यानी 9.6 जो हमने यहाँ निकाला था। तो नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल ABC है, बाईसेक्टर B एंड C के यहाँ मिलते हैं, तो BOC इतना है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको समझ जाना चाहिए कि आपका इंटरनल बाईसेक्टर का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट जो आपका BOC है वो 90 + A/2 होगा, तो BOC आपका 122 दे रखा है, 122 - 90 = A/2, इसमें से घटाएंगे 32 आ गया, तो यहाँ से एंगल ए आ गया 64 डिग्री। कैसे आया ये देखो, अब ये ट्रायंगल ABC है, अब इनके एंगल बाईसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो आपका इन सेंटर होता है, और यहाँ पे इन सेंटर आपका दे रखा है O, ये बिंदु O है। अब इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि जो आपका BOC होगा वो होगा 90 + A/2, यदि यही आपके बाहर मिलते, यानी ये आपके बाहर कहीं पॉइंट पे मिलते एंगल बाईसेक्टर, आपके जो एक्सटर्नल बाईसेक्टर हैं, एक्सटर्नल एंगल बाईसेक्टर हैं वो किसी पॉइंट O डैश पे मिलते, तो आपका BO-C है वो होगा 90 - A/2, ये सब मैंने करवा रखा है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कह रहा है,
ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी जो ट्रायंगल है उसकी आई थिंक थर्ड और फोर्थ वीडियो में पूरा ढंग से एक्सप्लेन करके बना रखा है, बता रखा है कि इसका आंसर 45 होगा। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया होगा, ये क्वेश्चन ऐसे देगा भाई, ए बी सी है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट डी है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, ये ई होगा। अब जो आप ये वाला इंटरसेक्शन जो इन दोनों का पॉइंट होगा ये एफ है, जो आपका बी सी है वो आपका बराबर होगा ए सी के, तो एंगल बी पूछेगा वो आएगा 45 डिग्री। कैसे आएगा ये देखो, ये आपको जो ट्रायंगल होगी बी एफ डी, ये सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए ई एफ के, और ये सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए डी सी के। अब कैसे सिमिलर होंगी, देखो ये वाला 90 डिग्री है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तो तीसरा एंगल है वो अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी ये ट्रायंगल इसके सिमिलर आ गई और ये फिर इसके सिमिलर आ जाएगी। तो वहाँ से हमारा जो रिलेशन बनेगा, ये मैंने करवा रखा आप देख लेना, ए डी बी यानी ये 90 डिग्री है, तो वहाँ से ये साइड इसके बराबर आ जाएगी, ये 90 डिग्री है, तो बच के ये 45 और 45 डिग्री होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट कह रहा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी एंड क्यू। दो सर्कल हैं, ये इनके सेंटर मान लो, अब ये पी और क्यू पे टच कर रहे हैं, आपकी ये वाली क्या है रेडियस होगी, ये वाली इसकी रेडियस होगी। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था कि मान लो इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस छोटा आर है, तो जो आपका ओ ओ डैश होता है वो होता है 2 × r × r/PQ। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, जो आपका ओ डैश हो जाएगा 2 × 10 × 8/12। अब 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी आ गया 40/3। तो मैं यदि पॉइंट की बात करूँ तो 13.33 आ जाएगा। अब ये पूछा गया है 1 दशमलव स्थान तक, तो यानी 13.3। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये ए बी सी है सिमिलर टू डी ई एफ। अब जो एरिया है इसका 100 है, इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। देखो यहाँ से मैंने ये बताया था, ये आपकी हाइट दे रखी है, इसका एल्टीट्यूड है 5 और इसका एल्टीट्यूड पूछा है आपसे, यानी आपको एल्टीट्यूड निकालना है। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी दो ट्रायंगल आपकी सिमिलर होंगी तो उनकी साइड की रेशो, उनकी हाइट की रेशो, उनका पेरीमीटर की रेशो सब क्या है, एक रेशो में होते हैं। और यदि बात करूँ मैं एरिया की, तो एरिया आपका क्या होता है, अंडर रूट में होता है, यानी अंडर रूट का रेशो के बराबर होता है। अब देखो इसका यदि एरिया सेंटीमीटर स्क्वेयर में है, क्यों ऐसा क्यों होता है, जो एरिया है वो स्क्वेयर की फॉर्म में बनता है, सेंटीमीटर स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर, जबकि साइड आपकी रहती है मीटर सेंटीमीटर में। तो उसको स्क्वेयर को हम डिजिट आपकी जो यूनिट है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, यानी मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लेते हैं उसका अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट लेंगे 10 आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा 7, यानी अब ये हमारा सेंटीमीटर की फॉर्म में बन गया रेशो, पहले क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर की, और लेंथ हमारी सेंटीमीटर में होती है। अब देखो 10 कोरस्पोंड कर रहा है आपका 5 को, और 7 किसको करेगा 3.5 को, या फिर जो बेसिक हम करते हैं, हम ऐसे करते हैं H1/H2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC/एरिया ऑफ DEF, यानी यह आ जाएगा आपका 100/49, यानी यहाँ से 10/7। अब H1 5 दे रखा है, 5/H2 = 10/7, ये 2 आ गया, H2 आ जाएगा 7 उस साइड चला जाएगा, 2 इस साइड, यानी 3.5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है AB and CD आर टू पैरेलल कोर्स ऑफ ए सर्कल। ये हमें सेंटर है, AB 6 है और CD 2 AB है, बहुत सेम साइड है, यानी दोनों सेम साइड लाई कर रही हैं। जब सेम साइड लाई करेंगी तो जो सर्कल के जितना नज़दीक होगी वो उतना ही बड़ी होगी और सर्कल से दूर वाली छोटी होगी। यानी यदि ओ है तो AB 6 है, यानी ये आपकी AB दे रखी है और ये आपकी CD दे रखी है,
अब ये 6 है, मैंने बताया था कि यदि हम सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस पे परपेंडिकुलर होगी, तो वो इसको दो भागों में तोड़ेगी, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। टोटल 6 है तो तीन तीन हो गया। अब सी डी इसकी दो गुणी है तो यानी वो 12 हो जाएगी, तो दो भागों में तोड़ेंगे तो 6 6 हो जाएगी। और उनके बीच की दूरी 1/4 है, किसकी लेंथ हो, सी डी के। सी डी 12 है, इसका 1/4 3, यानी ये वाली लेंथ 3 है आपकी। यदि मैं इसको पॉइंट ई मानूँ, इसको एफ, यानी आपकी ई एफ है वो 3 दे रखी है। अब आपको सर्कल की रेडियस बतानी है, अब यानी ये वाली रेडियस होगी। अब मैं ओ ए को मिलाऊंगा तो ओ ए भी क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। देख, यदि मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को, यदि मैं थोड़ा विजुअलाइज करूँ तो ओ ई की लेंथ आपकी 3 आनी चाहिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, लेंथ उसकी दो गुणी है, तो ये वाली लेंथ 3 है तो वो वाली लेंथ दो गुणी होगी, तो यानी ओ एफ आपका आना चाहिए टोटल 6। अब ये 3 है तो ओ ई भी कितना चाहिए, 3। तो मैं 3 लेके सोल्व करूँगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको वैसे कैसे करते हैं वो देखो, जो आपका ओ सी है वो ओ ई के बराबर होगा और वो दोनों बराबर होंगे आपके रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैं यदि राइट एंगल ट्रायंगल ये देखूँ, ये 90 डिग्री है, तो आपका जो ओ सी का स्क्वेयर है वो बराबर होगा ओ ई के स्क्वेयर के जमा सी के स्क्वेयर के, यानी ओ सी का स्क्वेयर, जो आपका ओ सी का स्क्वेयर है वो ओ ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर, यानी 36। और जो आपका ओ ई का स्क्वेयर है वो आपका ओ ई प्लस 3 इसका स्क्वेयर जमा इसका स्क्वेयर, ये ट्रायंगल ली है, इसका स्क्वेयर आपका इसका स्क्वेयर जमा इसका स्क्वेयर। नो, अब ओ ई ओ सी बराबर हैं तो मैं इनको बराबर रखूँगा, ओ ई स्क्वेयर जमा 36 इज इक्वल टू ओ ई स्क्वेयर जमा 9 जमा 6 ओ ई प्लस 9। अब 6 क्या गया, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा 2 ए बी, ये फॉर्मूला लगा लिया। अब इससे ये कट गया, अब 6 ओ ई आपका बराबर आ गई 18, साइड जाके कट जाएंगे 36 में से 18, ओ ई आ गया 3, जैसा कि मैंने बताया था। आप सिमेट्री से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ओ ई जब 3 आ गया, अब ये इस टाइप की ट्रायंगल बन गई, ये 3 है, ये 6 है, ये हमें निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये 36 हो गया, ये 9 हो गया, और इसका रूट तो यानी 45 रूट आ गया। अब ये 5 नहीं 45, 3 रूट 5, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी द साइड ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू, द बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी, यानी आपका ये एक एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। देखो तो डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइप के में, ये आपका पी तक बढ़ा दिया, ये क्यू तक बढ़ा दिया। अब ये यहाँ पे आपका आर पॉइंट है, ये 66 दे रखा है, तो यहाँ मैंने बताया था कि जो आपका आर होगा वो होगा 90 माइनस एंगल ए बटे 2, यदि ये इंटरनल होता तो 90 प्लस हो जाता। अब आर में दे रखा है 66 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बटे 2, यहाँ से एंगल ए बटे 2 की बात करूँ, 66 उस साइड जाके 90 में से कट जाएगा तो ये आपको देगा 24, तो एंगल ए यहाँ से आ जाएगा 48, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहा है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 67। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने के जो साइड हैं, मतलब जो आमने सामने की जो एंगल हैं, सॉरी, उनका जो जोड़ है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, यानी एंगल ए जमा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जो चारों कोने हैं वो सर्कल को कहीं ना कहीं टच कर रहे होते हैं, ए बी सी और डी। अब देखो ये आपको दे रखा है एंगल ए 67 है, एंगल बी 92 है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। आपसे पूछ सकता है इन दोनों का जोड़ या फिर डिफरेंस। जब जोड़ की बात करें तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें से ये घटा दो, 92 में से 67, आपका आ जाएगा 5 और 2 25 डिग्री, ये आपका आंसर है। ऐसा मैंने क्यों किया है, ये देखो जब मैं बात करूँ एंगल सी की तो एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, और एंगल डी हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी। अब हमें पता है 180 में से एंगल बी और एंगल ए ये हमें गिवन है, यानी एंगल इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 67 और यहाँ पे आ गया 92। अब ये देखो सी और डी में से बड़ा कौन सा होगा, सी होगा,
क्योंकि एक 10 में से यदि मैं 4 घटाऊं और 10 में से 1 घटाऊं तो बड़ा क्या होगा, 10 में से 1 घटा यानी छोटी वैल्यू जो घटी है, अब ये वाला बड़ा होगा। अब इनका डिफरेंस पूछा है तो यानी सी में से फिर डी घटाऊंगा, 180 माइनस 67 माइनस 180 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें से 1 घटाएंगे माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया तो 92 माइनस 67 आ जाएगा, ये आ गया 25 डिग्री। तो आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट है हमारा, ये कह रहा है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी टचिंग ए बी एट बी, बी सी एट क्यू एंड ए सी एट आर, इफ ए आर 5, आर सी 6, ए बी 12, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी ए बी सी में एक वृत्त है, मैं पहले तो ए बी सी एक ट्रायंगल बना लूँ, ए बी सी है, इसमें एक वृत्त है, ये वाला वृत्त है, टचिंग ए बी एट पी, बी सी एट क्यू और ए सी एट आर। इफ ए आर ये 5 है, आर सी ये 6 है, ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर पूछा है। देखो परिमाप कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो ये पूरी लेंथ आपकी 12 है, ये वाला 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इस पॉइंट से दो टेंजेंट है वो सर्कल को टच कर रहे हैं, वो बराबर होते हैं। ये वाला 6 है तो ये वाला भी 6 होगा। अब ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना बच गया, 7, तो ये वाला भी कितना आ गया, 7। तो इसके पैरामीटर की बात करूँ मैं तो 5, 7 और 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 × 36, या फिर आप इनको जोड़ दो, 5 और 5 10 और 7 7 14 24, 24 और आपका 12 कितना आ गया, 36। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी, यानी इसके जो डायगोनल हैं विकर्ण वो एक दूसरे को पी पे काट रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर है। देखो ज्योमेट्री में यदि कुछ भी गिवन है तो उसका एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज होगा, तो सबसे पहले जो गिवन है ये वाली साइड बराबर है, तो आपका जो ये वाला एंगल है ये इसके बराबर होगा, यहाँ से ये बात ध्यान रखना। अब जो डी बी सी है एंगल, यानी डी बी और सी, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 70, और बी ए सी यानी बी ए और सी, ये वाला दे रखा है हमें 30। जब ये वाला 30 है तो ये भी होगा 30। अब कह रहा है मेजर ऑफ पी सी डी, यानी पी सी और हमें ये एंगल निकालना है। ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें पता है कि जो हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसमें आमने सामने के जो कोण है उनका योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो हमें क्या गिवन है, और हमें सर्कल की एक और प्रॉपर्टी पता है क्या, कि जो कॉमन कॉर्ड होती है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल आपका यहाँ बनेगा, वही एंगल आपका यहाँ बनेगा। अब देखो इन सब का यूज करते हैं हम, ये 30 है, ये 30 है, अब यहाँ पे आपका जो एंगल 70 है, यानी ये कोण ने 70 बनाया, तो ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 70 हो गया यानी टोटल 100 हो गया, तो ये वाला एंगल आपका 80 के बराबर होगा टोटल, क्योंकि आमने सामने के जोड़ आपका कितना होता है 180। अब ये 70 और 30 100 है, तो ये 80 होना चाहिए, 30 ये है, ये बच गया कितना 50 डिग्री। तो हमसे यही पूछा था एंगल पी सी और डी, इसका मान आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कह रहा है जी सेंट्रोइड है ट्रायंगल एबीसी का, देखो 7 24 और 25, 7 24 और 25 देखते ही मुझे ट्रिपलेट याद आ गई कि ये ट्रायंगल आपकी ये है, ये एबीसी है, जहां आपकी ए बी 7 है, बी सी 24 है और सी ए 25 है, बी जी बताना आपको, यानी यहाँ से आपका जो सेंट्रोइड बनेगा, देखो यहाँ कहीं ना कहीं जी लाई करेगा, और इसका मान 2:1 होगा। अब मैं सर्कल की यदि बात करूँ, जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जो आपका ये वाला पॉइंट होगा, यानी मैं इसको पॉइंट मानूँ, देखो सेंट्रोइड, आपका सेंट्रोइड किस लाइन पे बनता है, आपका सेंट्रोइड बनता है आपकी बाइसेक्टर पे, यानी जो हम वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे बाइसेक्टर डालेंगे, यानी सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में तोड़ेगा, तो आपका उस पे सेंट्रोइड लाई करता है, यानी जो आपका बीडी है वो जो एसी को दो बराबर भागों में तोड़ेगा, यानी ये वाला भाग आपका इसके बराबर होगा। और एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है
कि यहाँ से यदि कोई लाइन में यहाँ पे मिलाऊँ वो इसको दो बराबर भागों में तोड़ेगी, तो जो ये पॉइंट होगा ये आपका सरकम सर्कल की सेंटर होगा, यानी ये वाला आपका सेंटर होगा, और जो ये वाला पार्ट भी होगा ये वाला भी इसके बराबर होगा, यानी ये तीनों पार्ट बराबर होंगे। अब यदि मैं बात करूँ टोटल BD की, वो आपका किसके बराबर होगा, जो वाला ये वाली लेंथ है ये आपकी टोटल 25 दे रखी है, तो ये वाली 25/2 होगी, ये वाली 25/2 और ये वाली भी 25/2, यानी आ गया 25/2। अब ये वाला इसको कितने रेशो में तोड़ रहा है, ये रेशो में तोड़ रहा है 2:1 में, तो आपको किसकी लेंथ निकालनी है, BG की, BG यानी ये वाली लेंथ। अब इसको मैं यदि देखो ये वाला 2 है ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया 3, यानी 3 की वैल्यू हमें पता है 2 की निकालनी है, तो गुणा 2/3 कर देंगे, या फिर हम ऐसे करेंगे कि देखो ये टोटल यहाँ से इसको 2:1 में तोड़ना है, 25/2 को 2:1 में तोड़ना है, तो हम कैसे करते हैं, बटे जो रेशो में तोड़ना है बटे टोटल, या फिर आप ऐसे कर लो 3 की वैल्यू दे रखी है 25/2, 1 की वैल्यू होगी गुणा 3 और 2 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 2, यहाँ से कट के 25/3 बच जाएगा, यानी RC 1/3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये वाला ट्रेपेजियम है, अब ABDC के पैरेलल है, डायगोनल P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये मान लो AB है ये CD है, अब इसके जो डायगोनल है वो P पे काट रहे हैं। मैंने बताया था जब भी आपको ट्रेपेजियम दिए ट्रेपेजियम देगा वो, तो आपको ये साइड है तो उन साइड में से तीन साइड आपको जो डायगोनल है उनमें से तीन पार्ट दे देगा, जैसे डायगोनल के चार पार्ट हैं 1, 2, 3, 4 और चौथा पार्ट आपसे पूछेगा, या फिर चारों पार्ट एक्स की फॉर्म में देके आपको वैल्यू पूछेगा। तो देखो यहाँ से मैंने बताया था क्या होगा, तो जो इनका प्रोडक्ट है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी जो आपका AP है गुणा PD इज इक्वल टू BP गुणा PC। अब आपको जो दे रखा है वो रख दो, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर में एंगल के सामने कॉरस्पॉन्डिंग यानी जो इक्वल एंगल होंगे उसमें ये एंगल उसमें ये एंगल, उनके सामने जो साइड होंगी उनका रेशो, उनके जो साइड है उनका रेशो प्रपोर्शन, मतलब उनके जो रेशोज हैं वो बराबर होंगे, यानी प्रपोर्शन में होंगे। अब AP आपको दे रखा है, देखो AP है 3x-1 और PD 6x-5 इज इक्वल टू BP दे रखा आपको 2x+1 और PC आपको दे रखा 5x-3, ये वाला दे रखा है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब देखो इसको सोल्व करने के बजाय आप क्या करो, x की कोई वैल्यू ढूंढो, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो यहाँ से आपका 2 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से हमने 1 ली है तो 3 आ गया और 2 आ गया, तो ये बराबर नहीं हुए हैं, तो x की मैंने मैं 2 लेके देखता हूँ, जब भी मैं 2 लूँगा तो ये 5 आ जाएगा और ये 12-5 7 आ जाएगा, इस साइड 2 लिया, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10-3 7, यानी ये बराबर आ गए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, या फिर आप इसको सोल्व कर लो, जब इसको इक्वेशन को खोलूँगा तो वहाँ से भी आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x का मान 2 आ गया तो हमसे पूछा है BD की लेंथ, यानी BD की लेंथ आपकी क्या क्या है, BP+PD। अब हमें BP की लेंथ निकालनी है, देखो BP कहाँ गिवन है हमें, BP गिवन है हमें क्वेश्चन में ये वाला 2x+1, यानी मैं 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, प्लस PD आपको PD दे रखा है 6x-5x की वैल्यू 2 रखूँगा तो 6 दूनी 12 में से 5 गया 7 5, यानी 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC विद साइड 6, 7 एंड 8 द एंगल बाइसेक्टर ऑफ लार्जेस्ट एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट। यानी एक ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल में क्या होता है कि जो आपका एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ABC है, ये साइड है 6, 7 और 8। अब जो ये वाली भुजा BC 8 है तो इसके एंगल ए है वो आपका बड़ा होगा, देखो सेकंड नंबर पे कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली, तो इसके सामने वाला एंगल एंगल सी, यानी ये इस उसमें होंगे क्रम में। अब कह रहा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ लार्जेस्ट एंगल, यानी जो इसका एंगल बाइसेक्टर है
ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इसको दो भागों में तोड़ेगा, ये पॉइंट डी है। देखो एक भाग ये बच गया, एक भाग ये बच गया, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगेगी। वो क्या होती है, ये ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे यदि मैं इसका एंगल बाइसेक्टर इस पे डालूँ डी, तो जो आपकी ए बी बटे ए सी है वो आपकी लेंथ आ जाएगी बी डी बटे डी सी। यानी जिस रेशो में ये हैं उस रेशो में ही ये टूटेंगे। अब देखो ये 6 और 7 हैं, यानी ये भी 6 रेशो 7 में होंगे। अब यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो आपकी 8 दे रखी है, यानी 6 और 7 13, आपकी जो 13 की वैल्यू है वो है 8 के बराबर, 1 की वैल्यू आ जाएगी 8/13, और हमें पूछा है छोटे खंड की लेंथ यानी बी डी की, तो 6 की वैल्यू होगी गुणा 6 यानी 48/13, ये आपका आंसर है। या फिर आपको एक्स मान के करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाई ये 7 है, ये 6, ये 7 है, ये एक्स है, ये एक्स माइनस 8 होगी, यानी टोटल 8 है, तो 6/x इज इक्वल टू 7/x-8, यहाँ से भी आप एक्स का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लाइज ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। यानी जो वर्टिसेस हैं वो आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं इस ट्रायंगल के, जिसका सेंटर ओ है। एस आर इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट आर, सॉरी ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। अब एस आर इज ए टेंजेंट, यानी यहाँ पे एक टेंजेंट है ये वाला, ये मान लो पॉइंट एस है और ये आर है। एट पॉइंट आर इफ क्यू आर बाइसेक्ट, यानी क्यू आर जो आपका क्यू आर है ये वाली लेंथ वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ओ आर एस को, ओ आर और एस ये वाला। देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज की गई है, यहाँ पे ये यूज हो रहा है कि यदि यहाँ पे कोई एक टेंजेंट है और जो सेंटर से इस पे इसको मैं मिलाऊंगा तो जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री होगा, यानी जो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो वो उस पॉइंट पे काटेगा यानी जिस पॉइंट पे ये काटेगा वहाँ से जो रेडियस फॉर्म होगी वो 90 डिग्री बनाएगी। यानी ये वाला कंप्लीट एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल हो जाएगा ये वाला सारा। अब ये कह रहा है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ओ आर, यानी जो एंगल ये है वो आपका इसके बराबर हो जाएगा, यानी पूरा 90 था तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, तो एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी आपसे ये एंगल पूछा है। यदि मैं इसको यहां से मिलाऊं, ये वाला आपकी क्या है रेडियस, ये वाली भी आपकी रेडियस, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लाइज ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी ये आपका क्या है सेंटर है सर्कल का। अब ये वाला 45 है, ये वाला 45 है, 90, तो ये वाला एंगल कितना बच गया आपका 90 डिग्री बच गया। अब एक एक सर्कल की दूसरी प्रॉपर्टी का भी हमें पता है कि कोई भी कॉर्ड है यानी क्यू आर कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर पे 2 थीटा बनाएगी, तो वो उसके अपोजिट साइड जो सर्कल होगा उस पे यदि हम पॉइंट कोई ड्रॉ करेंगे और उस कॉर्ड को मिलाएंगे तो जो वो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। यानी जो आपकी मेजर जो आर्क होगी, देखो यानी सेंटर पे यदि 2 थीटा बन रहा है तो आपकी उसी कॉर्ड द्वारा जो मेजर आर्क है उस पे जो बनेगा सेंटर, सॉरी जो थीटा बनेगा, एंगल बनेगा वो थीटा होगा, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो। ये 45 है, ये 45 है, 90 आ गया, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका आंसर है 45 डिग्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए सी बी ओ इज ए पैरलोग्राम, तो पैरलोग्राम दिया है और सर्कल गिवन है, तो यानी पैरलोग्राम की प्रॉपर्टी यूज होंगी। अब पैरलोग्राम हम कैसे फॉर्म करेंगे, देखो यदि मैं ऐसे पैरलोग्राम फॉर्म करूं, थोड़ा सर्कल ढंग से नहीं बना, यानी ये वाली लेंथ इसके पैरेलल आएगी यहाँ पे, यदि मैं इसको थोड़ा ऐसे लूँ,
ये बड़ा पैरलोग्राम बन गया। अब पैरलोग्राम की हमें प्रॉपर्टी पता है, पैरलोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला इसके एंगल बराबर होता है, और कोई भी दो जो एडजेसेंट एंगल है उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, तो यानी इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, देखते हैं। अब ये ओ है, सी इज ए पॉइंट ऑन इन ए सर्कल ए सी बी ओ, यानी ए यहाँ है, सी यहाँ है, बी ए ओ ही पैरलोग्राम है। सी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी, यानी देखो ए बी माइनर आर्क है, इस पे पॉइंट सी है। अब व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ओ बी, ए ओ और बी, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब ये वाला एंगल आपका एंगल सी के बराबर होगा। देखो एंगल सी मान लो मैं यदि एक्स मान लूँ, तो ये वाला भी आपका कितना होगा, एक्स होगा। और यदि मैं इसको यहाँ पे मिलाता हूँ, ये पॉइंट मान लो डी है, तो आपका जो ए डी बी सी, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने के जो एंगल है उनका जोड़ 180 होता है, यानी देखो। और सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है, यदि मैं ए बी को कोर्ड मान लूँ, अब ये सेंटर पे हमारा एक्स बना रही है, तो यहाँ पे बनाएगी एक्स बटे दो। और अब मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दूँ, यानी जो एक्स प्लस एक्स बटे दो है वो 180 डिग्री होता है, 3x बटे दो 180 डिग्री। अब x आ जाएगा 3 से 60, 60 दूनी 120, यानी हमें x ही निकालना था, तो x का मान आ गया 120 डिग्री। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 10, पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरलर कोर्ड। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस 10 है, पी क्यू और आर एस टू पैरलर कोर्ड है, लेंथ x एंड 12, बोथ आर अपोजिट साइड, ये इस साइड है और ये इस साइड है। डिस्टेंस बिटवीन, यानी ये पी क्यू है, ये आर एस है, अब रेडियस हमें 10 दे रखी है, ये 10 है, ये 10 है, अब इनके बीच की दूरी 14 दे रखी है, द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी देखो ये कह रहा है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस 10, पी क्यू आर टू पैरेलल कोर्ड, लेंथ एक्स एंड 12, यानी जो आर एस है इसकी लेंथ 12 दे रखी है। देखो अब हमें पता है भाई, जो सेंटर के थ्रू जो लेंथ आपकी इसको मिलाएगी वो इस पे 90 डिग्री होगी, इसको दो भागों में तोड़ेगी, यानी 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 90 डिग्री है। आप ट्रिपलेट लगा लो, 10 6 ये 8 हो गया, टोटल 14 है, ये 6 बच गया, ये 10 है, ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, और आपका आंसर आ गया 16। या फिर जो आपका पी क्यू होगा प्लस आर एस होगा, इनका बटे दो आपका इनके बीच की दूरी होती है, यानी ये मैं पॉइंट जे मानूँ, ये के, तो होगा जे के बराबर। अब जे के हमें दे रखा है 14, ये दो उस साइड चला जाएगा, पी क्यू प्लस आर एस। अब पी क्यू निकालनी है, आर एस हमें दे रखी है 12, इज इक्वल टू 28, तो जो आपका पी क्यू है वो आएगा 28 माइनस 12, यानी कि 16। या तो आप ट्रिपलेट याद रखो या फिर आप इस मेथड से निकालो। देखो ट्रिपलेट आपके जो मेंस हो गया प्री होगा उसमें ट्रिपलेट का बहुत यूज होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, पी क्यू आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज, एंगल पी इज 3 टाइम्स द एंगल आर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इसके आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 होता है, तो पी क्यू आर है, सॉरी ए बी सी डी नहीं गिवन, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, एंगल पी इज 3 टाइम्स द एंगल आर, यानी ये एंगल आर है तो ये आपका 3 आर है, एस इज 5 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू, यानी ये यदि क्यू है तो ये आपका 5 क्यू है। अब यहाँ से देखो आमने सामने का जोड़, यानी 4 आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, आर आ गया 4 4 16, 4 5 20, ऐसे ही इसमें जो आपका 6 क्यू है वो 180 डिग्री आ गया, और क्यू आ गया 30 डिग्री। अब क्यू और आर का जोड़ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 75 डिग्री। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट कह रहा है, ट्रायंगल ए सी ई, भाई कोई ट्रायंगल ए सी ई है, बी एंड डी आर पॉइंट ऑन ए सी, ए सी एंड सी ई, सी ई यानी ये बी है और ये डी है, सच दैट बी डी जो ये वाली लेंथ है
वो पैरेलल है AE के, और AE बटे BD, BD को इस साइड लेके आऊँगा, 8/3 है। यानी AE यदि 8 है आपका, ये 8 है तो BD 3 है। तो ऐसे ही जब ये ट्रायंगल, देखो ये पैरेलल है तो ये सिमिलर ट्रायंगल होंगी, तो ये यदि 3 होगा तो ये पूरा 8 होगा, ये यदि 3 होगा तो ये पूरा 8 होगा, तो रेशो वही रहेंगी। अब एरिया की रेशो बतानी है, BDC इसका एरिया। देखो एरिया का रेशो क्या होता है साइड के स्क्वेयर के रेशो में, यानी मैंने बताया था कि जो आपकी साइड की रेशो होती है, मान लो AB साइड थी बटे उसकी BC थी, वो एरिया ऑफ ABC और मान लो वो एरिया ऑफ PQR, दो ट्रायंगल दे रखी थी कुछ इस टाइप में बन रहा था। तो यहाँ से मैं एरिया की बात करूँगा तो स्क्वेयर रूट हटाने के लिए दोनों साइड यदि हम स्क्वेयर कर दें तो यानी उसके लेंथ के स्क्वेयर के प्रोपोर्शन में होता है एरिया। तो यानी इसकी लेंथ 9 है, सॉरी 3 है, इसका स्क्वेयर करेंगे 9, और BDC टू AEC यानी AEC कंप्लीट, कंप्लीट की लेंथ हमारी 8 है, तो 9 रेशो 64, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है द रेडियाई ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इन रेशो 4 रेशो 5 रेशो 7। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है मतलब सेंटर सबका सेम है। अब इसकी रेडियस 4 दे रखी है, इसकी 5 दे रखी है, और इसकी 7 दे रखी है। तो रेशो बताना है एरिया का बिटवीन द टू इनर सर्कल, यानी जो ये वाला एरिया बनेगा उसका आउटर सर्कल, यानी ये वाला जो एरिया बनेगा इनका रेशो बताना है। देखो जब भी मैं एरिया के रेशो की बात करूंगा तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर होता है। अब पाई रेशो की बात करेंगे तो पाई कट जाएगा, तो यानी डायरेक्ट आपका रेडियस, यानी ये वाला सर्कल और इस सर्कल की बात करूँ, इसकी रेडियस 4 है, इसकी 5 है, और इस बड़े वाले की 7 है। तो जो ये वाला एरिया हो जाएगा वो डायरेक्ट आपका होगा 5² - 4² रेशो, जो ये वाला एरिया होगा वो होगा 7² - 5². देखो यहाँ पे पाई इंटू 5² - पाई इंटू 4² = पाई रेशो पाई इंटू 7² - पाई इंटू 5², पाई सब में से कॉमन आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप रेशो ले लो इसको। तो 25 - 16 यानी 9 बच गया, रेशो 49 - 25 यानी आपका 24 बच गया। अब इसको काटूंगा, 3 रेशो 8, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 यूनिट। भैया एक ट्राइंगल दे रखी है हमें ABC, DE इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC, यानी DE एक स्ट्रेट लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल होगी। DE इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC ज्वाइनिंग द पॉइंट D एंड E ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट AD रेशो DB, यानी AD रेशो DB ये 6 है तो ये सारी 7 होगी। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ADE यानी AD इसका रेशो और ABC, AB और C इसका रेशो बताना है। देखो ये आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैसे हमें पता है जो एरिया का रेशो है वो साइड के स्क्वेयर के बराबर होता है, इसकी साइड A है और बड़े वाले ट्रायंगल की 7 है, तो आपको सोचना ही नहीं है, ये आ गया 1 रेशो 49। अब जो ये दे रखा है यूनिट, 1 यूनिट, 10 यूनिट, 1000 यूनिट कुछ दे रखा हो, जब हमें बात की गई रेशो की तो उसका हमें कोई मतलब नहीं है कितना दे रखा है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ABC में एक ट्रायंगल ABC है, डी इज ए पॉइंट ऑन AC, इसमें एक डी पॉइंट है, सच दैट AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC, त्रिभुज ABC में D इज ए पॉइंट ऑन AC। अब मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, भाई AC पे पॉइंट है तो यानी AC में यहाँ लेता हूँ, ये AC है ये B है, इन्हें ट्रायंगल ABC है, D इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट, यानी यहाँ पे एक D पॉइंट है, AB है ये वाला इज इक्वल टू BD यानी ये वाला इज इक्वल टू DC यानी ये वाला। अब एंगल BAD 70 है, BAD ये वाला 70 है, और पूछा आपसे एंगल B का मान कितना होगा। देख जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग चलो,
भाई ये ट्रायंगल है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा। अब ये वाला 70 है, ये वाला आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 110 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 है। अब ये 70 70 है, 70 70 140, टोटल होता है 180, ये बच गया 40 का। अब यहाँ पे 110 है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब 110 ये गिवन है, 180 में से बच गया कितना, आप कहेंगे 70। अब 70 बच गया, और दो बराबर भागों में तोड़ेंगे तो 35 35 आ गया। तो आपका जो ये एंगल कंप्लीट है वो होगा 40 प्लस 35 यानी 75। नेक्स्ट आपका,